हे गाइस, व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं और आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट से हैं, और इन शॉर्ट अगर बोलने की कोशिश करूँ, आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े नहीं हैं, तो क्या होगा आपके साथ और कैसे प्रॉब्लम आप फेस करेंगे। इवन बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, उनको कुछ आता था है नहीं, झूठ मूठ का इंग्लिश मीडियम में माँ बाप का पैसे बर्बाद करते हैं, उसमें पापा मम्मी का गलती तो नहीं होता है, वो सोचते हैं इंग्लिश मीडियम मतलब बहुत बढ़िया कुछ होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। जो पढ़ते हैं सब्जेक्ट सेम होता है, सिलेबस भी लगभग सेम होता है, बस एक बोल सकते हो लोगों के दिमाग में भूसा भर गया है। तो इसमें मैं बहुत कुछ आपको बताने वाला हूँ, आपको ये प्रॉब्लम है या नहीं है, प्रॉब्लम है तो कितना बड़ा प्रॉब्लम है, सब कुछ मिलने जानने को मिलेगा। इस वीडियो को भाई लाइक करना, बिकॉज इसमें मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस आपको बताऊँगा जो आपको किताबों में या कोई और बंदा बता नहीं सकता। बिकॉज मैंने जो प्रॉब्लम फेस करें, आई एम श्योर जितने भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, बाकी मीडियम के स्टूडेंट हैं, वो भी फेस करने वाले हैं, और बहुत सारे फेस कर पाएंगे अच्छे से, बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अच्छे से फेस नहीं कर पाएंगे, और वो ज़िंदगी भर लगभग क्या करते हैं, वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में जीते हैं कि भाई मैं तो अंग्रेजी बोल नहीं पाता हूँ। ठीक है, तो इस पर बात करेंगे। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में बताते हैं क्या होता है प्रॉब्लम। आप जब हिंदी मीडियम से या फिर किसी और मीडियम से पढ़ के जाते हैं, तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में पढ़ा है, खाली हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ा है। हिंदी भी मेरा मदर टंग नहीं है, हिंदी मेरे घर वालों को, गाँव वालों को नहीं आता इतना अच्छा, सबको जो बाहर पढ़े उनको आता है, बाकी किसी को नहीं आता है, बिकॉज हमारा मदर टंग अलग है, हमारा टंग थोड़े से रीजनल लैंग्वेज है, वो मिक्सअप है, राइट। तो इसलिए हिंदी भी मैंने सीखा है, हिंदी मेरा अच्छा नहीं था, मैंने सीखा है नॉर्थ इंडिया जाके, राइट। और बाकी लैंग्वेजेस भी मैंने सीखे हैं, जैसे मैंने हिंदी बोलना सीखा, इंग्लिश बोलना सीखा, बंगाली बोलना सीखा, उड़िया बोलना सीखा, तो आई हैव लर्न दीज लैंग्वेजेस। तो ये सब सीखना पड़ता है अगर आपको कुछ करना है। तो सीखने के लिए क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो आजकल एडवर्टाइजमेंट भी आता है इंग्लिश बोल नहीं पाता, लोग मजाक उड़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, अंग्रेजी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं आपको सच्चाई बताऊं तो 90% जो बंदे होते हैं जो इंडिया में कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, उनको इंग्लिश अच्छे से बोलना नहीं आता है, वो बस इतना उनको आता है काम चलाओ। मैं अक्सर बात करता हूं, बिकॉज जितने कॉर्पोरेट्स हैं, बड़े बड़े जितने ब्रांड होते हैं, खासकर एजुकेशन इंडस्ट्री में, अगर एजुकेशन इंडस्ट्री में बंदे को इंग्लिश नहीं बोलना है, तो बाकी इंडस्ट्री क्या होगा, हालत सोच लो। Only they are showing that yes they can speak English, but whenever I go in depth into the conversation or discussion about any topic, they come back to the same, that is Hindi language, because Hindi सबको समझ में आता है। उस दिन मैंने रियलाइज करा कि भाई 90% को तो आता ही नहीं है, टाइम पास कर मतलब ये बस दिखावा करते हैं। तो ये जो दिखावा मतलब क्या है, ये बस शो करते हैं भाई हमें आता है इतना, और सचमुच का आता है, बट इतने अच्छे से नहीं आता है, इतने अच्छे फील से बता नहीं पाते हैं जितने अच्छे से वो हिंदी बोलते हैं या फिर उनका मदर टंग को बोलते हैं। तो ये 90% में तो कोई भी बंदा आ सकता है, बट मैं उसकी बात नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा भाई वो रेस्ट 10% जो रियली में अच्छे इंग्लिश बोलते हैं, और उनके उनको इंग्लिश बोलने के लिए उनको सोचने की जरूरत नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली वर्ड्स आर कमिंग इन टू द कमिंग आउट थ्रू द माउथ वेन एवर दे वॉन्टेड टू स्पीक इन इंग्लिश, राइट। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट, ओके। सो बात करते हैं क्या प्रॉब्लम आता है जब भी आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है आपको लिखना नहीं आता है, आपको समझ में नहीं आता है बहुत सारे वर्ड्स, और फिर आप एग्ज़ाम में अच्छा कर नहीं पाते हैं, समझ तो आते हैं बट यू कैन नॉट एक्सप्रेस योर सेल्फ ऑन द एग्जामिनेशन पेपर, राइट। तो मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल से गया था, मेरे को पता नहीं था इंग्लिश कैसे बोलते हैं, बहुत ही पुअर था, राइट। तो मेरा जो ट्रांजिशन हुआ था 10th से 11th में इंग्लिश मीडियम में हुआ था, और बहुत बुरा हालत था मेरा 11th क्लास पूरा, 12th में मेरे को समझ में आया कैसे पढ़ना है थोड़ा सा। तो ये समझने आया मतलब क्या, आपको ट्रिक ढूंढना पड़ेगा कैसे मैं अपने आप को एडप्ट कर पाऊँ इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है, ये आपको खुद ढूंढना पड़ेगा पहला। दूसरा, ये ढूंढने से पहले क्या करें आप, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो इंग्लिश का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, आपको बेसिक क्लियर करने की ज़रूरत है, और माइंड में एक जुनून चाहिए, एक जीत चाहिए कि मेरे को अंग्रेजी सीखना है, और आप टू मेरे को 10% में आना है। मेरे जितने दोस्त थे सारे इंग्लिश मीडियम से थे, कोई बहुत अच्छे अच्छे स्कूल से थे,
राइट, टॉप स्कूल के। जब मैं उनसे बात कर देखा कि भाई कुछ को तो आता है बट मैक्सिमम को नहीं आता इंग्लिश में अच्छे से बात करना, बट वो मेरे से बेटर थे बिकॉज वो इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े थे, सारे नहीं होते बट वो थे इंग्लिश में खास करके, तो मुझे उनसे बेटर बनना था। मतलब क्या, जिन्होंने उन्होंने जो जितना एफर्ट डाला है ना पहले, उससे ज़्यादा मुझे नहीं, उससे कम एफर्ट डालना था। पता है क्यों? बिकॉज मेरा माइंड अब डेवलप हो चुका है उन चीज़ों को समझने के लिए आसानी से। एक टाइम होता है ना, अब टेंथ क्लास आप पास कर चुके हैं, मान लो आप 11 12 पढ़ेंगे तो आपको लगेगा भाई टेंथ तो बहुत आसान था, आप 11 12 पढ़ लेंगे बीटेक में जाएंगे तो बोलेंगे 11 12 तो थोड़ा सा आसान था, हालांकि 11 12 अच्छा टफ है, सबसे ज़्यादा टफ जो फेज होता है पढ़ाई का 11 12 होता है, राइट। 12वीं का 11 12 का पढ़ाई सबसे टफ होता है, जितने भी आप कहीं भी पढ़ाई कर लो, पीजी कर लो, एमटेक कर लो, बीटेक कर लो, पीएचडी कर लो, हर कंपैरिजन करा जाए तो कंपैरेटिवली, इसीलिए आईआईटी जेईई एडवांस एग्जाम सबसे टफेस्ट एग्जाम बोला जाता है इंडिया में, उसके बाद गेट का है, उसके बाद कैट वगैरह नीट वगैरह तो आता है, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट क्या करना है भैया, क्लियर करना है। बेसिक कंसेप्ट क्लियर कैसे होगा, ऑनलाइन नहीं जाना है आपको, ऑफलाइन कोचिंग ले लेना है कोई भी टीचर का जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाते हैं। 2000 रुपया लगेगा, पैसे बचाने के चक्कर में मत पना कि 2000 रुपये बच जाएगा, ऑनलाइन कर लूँ फ्री में, फिर फ्री हो जाएगा, पहले बताए तो हर चीज़ फ्री में नहीं होता है, थोड़ा तो कीमत चुकाना पड़ेगा। रीज़न आपको बता रहा हूँ क्यों ऑफलाइन बता रहा हूँ, उससे माहौल बनेगा, आपके काफ़ी दोस्त बनेंगे सेम प्रॉब्लम के, तो क्या होगा आपको एक हौसला मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, बोलेंगे सर आप तो ब्रिलियंट होंगे, नहीं भाई मैं बिलो एवरेज हूँ, मुझे पता है आप में से बहुत सारे मेरे से अच्छे हैं। एग्जाम्पल दूँ, मेरे 10th में 60% नंबर था, 12th में 56% नंबर था, बट ये जो चीज़ें मैंने करा इसके बदौलत क्या करा, मैंने बीटेक में लगभग हर बार टॉप करा, एमटेक में भी टॉप करा, बीटेक में टॉप 20 स्टूडेंट में था आउट ऑफ 10,000 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी। ये सब इम्प्लीमेंट किया था मैंने जो आपको बता रहा हूँ। अगर देखना है तो मेरे एक वीडियो है हाउ टू बिकम कॉलेज टॉपर या फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कैसे करें, ये लाखों में गया व्यूज़, और उन वीडियोस को देख के लोगों का सही में मार्क्स इम्प्रूवमेंट हुए हैं, सही में लोगों को हेल्प मिला है, वो कमेंट में पढ़ोगे तो पता लगेगा लोगों ने सही में टॉप किया है। और आपको हो सकता है आपके दिमाग में डाल दिया गया मार्क्स मैटर नहीं करता है, भाई सबसे ज़्यादा मार्क्स ही मैटर करता है लाइफ में, पहला फेज है मार्क्स, उसके बाद बाकी चीज़ें आते हैं, समझ रहे हो, मार्क्स बहुत मैटर करता है, याद रखना। तो ऑफलाइन ज्वाइन करना है और कहाँ पर फोकस करना है आपको बता देता हूँ, आपका वोकैबुलरी में फोकस करना है, राइट। दूसरा किस पर फोकस करना है, टेंस पर फोकस करना है, ये टेंस बड़ा शानदार चीज़ है, आपको पता लगेगा शैल विल वाज वेयर हैड बीन हैव बीन शैल हैव बीन और विल हैव बीन, उसके बाद इज एम आर आई एन जी कहाँ लगेगा, राइट, ये सब पता लगेगा आपको, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जो नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं, ठीक है। ये सीख लिया आपने, समझ में आया आपको, आगे क्या प्रोसेस अपनाना है, बिकॉज आपको इंग्लिश में सब कुछ करना है, आप सुनेंगे इंग्लिश, थोड़ा समझाएंगे हिंदी में हो सकता है अगर आप नॉर्थ इंडिया कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अदरवाइज मैक्सिमम कॉलेजेस में साउथ इंडिया में इंग्लिश में समझाया जाएगा आपको, तो उसमें फ़ायदा क्या होगा आपको, सब कुछ इंग्लिश में करेंगे तो आपके लिए एडजस्ट करना थोड़ा सा इजी होगा, बट प्रॉब्लम कहाँ आएगा आपको बता देता हूँ, राइटिंग में प्रॉब्लम आएगा, उसके बाद उसको रिमेम्बर करने में प्रॉब्लम आएगा बिकॉज वर्ड्स अच्छे से नहीं आएंगे। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है, जिसमें प्रॉब्लम आ रहा है उसी को ही सोल्यूशन बनाओ, राइटिंग में प्रॉब्लम तो लिख लिख के याद करो, राइट एंड देन रिमेम्बर, उसे प्रैक्टिस होगा आपका, और आप इनको इम्प्लीमेंट करना, देखने से कुछ खास फायदा नहीं मिलेगा आपको, इफ़ यू इम्प्लीमेंट व्हाट आई एम टेलिंग यू विल गेट बेटर रिजल्ट, और टाइम के साथ अच्छा होगा, कैसे मैं आपको बताऊंगा, स्लोली स्लोली चलेंगे। तो लीक के आपको प्रैक्टिस करना है फर्स्ट, सेकेंड जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, वट एवर यू आर स्टडिंग, राइट, सेकेंड पॉइंट वट एवर यू आर स्टडिंग, राइट, अगर कोई भी वर्ड आपका आता है उसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको याद मत करो, पहले अंडरस्टैंड करना है पहले, और फिर याद करना है, समझ के याद करने से क्या होता है, आप फिर याद करने का खुद लिखना है,
फिर लिखना है। बोलेंगे तो बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा। देखिए, अगर आप अभी एफर्ट डालेंगे ना, आपका हैबिट बन जाएगा एफर्ट डालना, और ये एफर्ट डालना बंदा कोई सीख लेता अपने लाइफ में, वो कभी पीछे नहीं रहता है, हमेशा आगे चला जाता है, चाहे वो बिलो एवरेज क्यों ना हो। आप मेरे एग्जांपल ले सकते हैं, यूट्यूब पर सबको पता लग गया बहुत पैसा है, बहुत सारे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन यूट्यूब पर वही रहता है जो कंसिस्टेंटली काम करता है। बिकॉज आपके पास कंटेंट कितने होंगे बताने के लिए, कुछ ही एक्सपीरियंस होंगे बता दोगे, उसके बाद कहाँ से लाओगे, उसका एफर्ट डालना पड़ेगा कंटेंट के लिए ना। अब लाइफ में ऐसे तो नहीं आप हजार तक एक्सपीरियंस गेन करे होंगे जो आपको बात लोग सुनेंगे, बहुत सारे ऐसे चीज़ें आपको पता भी नहीं होगा, तो उसके लिए आपको लोग बैठाने पड़ेंगे या खुद बैठ कर सीखना पड़ेगा। ये लेबोरियस जो एवरेज लेबोरियस होते हैं ना, वो खतरनाक होते हैं, लेकिन एवरेज बंदा लेबोरियस बनने में टाइम लगता है, और वो आपको बना रहा हूँ इस वीडियो के जरिए। आप अगर बिलो एवरेज हो मेरे जैसे, लेबोरियस बन जाओ, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तीसरा चीज़ क्या है आपको बोला मैंने, आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ इनको आपको इम्प्लीमेंट करना है, स्लोली स्लोली आप अपना देखेंगे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ट्राई टू राइट, अंडरस्टैंड करना पहले, याद करा, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये तो आपने कर लिया, अब खुद एक्सपेरिमेंट करना है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड देन राइट फ्रॉम योर सेल्फ एंड देन रीड एंड देन फाइंड आउट क्या मिस्टेक्स आप कर रहे हो। अगर आपको इंजीनियरिंग में मोज मारना है, ये चीज़ आपको सीखना होगा, समझना और लिखना खुद से आना चाहिए। इंजीनियरिंग में जो लिखते हैं हम आंसर, मैक्सिमम आंसर्स क्या होते हैं, व्यूज होते हैं, आपके क्या व्यू है, ओपिनियन आंसर होता है लगभग। ओपिनियन मतलब ये नहीं उल्टा पुल्टा लिख दोगे जो न्यूज़ वाले करते हैं, ओपिनियन टैग लगाते हैं, जो भी मर्जी छापेते हैं, देखते होंगे, ये सारे एक धोखा है। आपको मतलब लगता है भाई ये तो कुछ लिख रहा है, नहीं भाई ओपिनियन लगा दिया, अपना मन मर्जी भाई, डेमोक्रेसी है, उसमें कुछ भी लिखते जाओ, कुछ भी मतलब एक लिमिट भी होता है उसमें, ठीक है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन लगता है हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा उसमें कुछ चीज़ लगता है, मुझे ये उसका नॉलेज खास नहीं है, बट मुझे पता है मुझे कहाँ तक बोलना है, ये लिमिट मेरे को पता है, ठीक है। चलो चलिए, समझ में आया आपको, मिस्टेक नहीं करना है आपको और ट्राई करना है, ये आपको कहानी समझ में आ गया होगा। चौथा पॉइंट पे आते हैं, क्या करना है आपको, आप जो सीख रहे हैं, ठीक है, ये जितना जल्दी सीखेंगे उतना आपको फ़ायदा करेगा। जब सीखेंगे आप, नंबर कम आएगा, हो सकता है आपके टीचर भी हंसे आप पर, हो सकता है बच्चे भी हंसे, आपको डीमोटिवेट फील नहीं करना, आपको बोलना भाई मैंने पैसे बचाया है सरकारी स्कूल से पढ़ के 10 साल, या फिर पैसा हमारे पास नहीं था, मजबूरी था मेरा, लेकिन आप मजबूरी नहीं, आप हंसो, मैं आज तो कल अच्छा कर ही लूँगा, और आपको जीत पालना कि इतना अच्छा एक दिन करूँगा, आप खुद तारीफ करेंगे मेरा, बिकॉज मैंने जो इम्प्रूवमेंट करना है आगे जाके। 4 साल होता है बीटेक का, आप अपने आप को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो हर तरीके से, मेंटली, फिजिकली एंड प्रोफेशनली एज वेल एज स्पिरिचुअली। स्पिरिचुअलिटी और मेंटलिटी में थोड़ा डिफरेंस होता है। अगर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हो 2-3-4 साल में धीरे धीरे करके, देखना आप एक नया जिंदगी खुद से ही बना रहे हो, एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू अचीव समथिंग मच बिगर लेटर ऑन। आप कभी सोच भी नहीं पाए कि इतना कुछ हो सकता है। मैंने अपने लाइफ से सीखा है, मेरे दोस्तों के लाइफ से सीखा है, मेरे दोस्त को मैं जानता हूँ काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में, तो ये लाइफ एक्सपीरियंस किताबों में नहीं मिलता है, और यहीं से आपको सीख मिलता है, और लेटेस्ट सीख मिले ना तो मज़ा आता है, पुराना सीख से कुछ हद का फायदा मिलेगा। कहानी समझ में आया आपको। अब ये तो बात होगी भैया इंजीनियरिंग पार करने का, बट प्रॉब्लम आता है स्पीकिंग, भाई मैं स्पीकिंग कैसे सीखूं? यू सो फॉर वट एवर आई टोल्ड यू, इट इज़ ऑल अबाउट पासिंग द इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, इवन गेटिंग गुड मार्क्स, इवन यू विल कम टू नो हाउ टू राइट on the answer sheet in the examination time, even other times also from yourself you can able to write your views in English, but what about speaking? Well, dekhiye ye step pehla tha,
अगर आपको लिखना आ गया तो बोलना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, बट मैं आपको बताऊंगा स्टेप। देखिए जो मैंने बोला ना, अगर आपको इंग्लिश बोलना है जैसे आप अपना मदर टंग में बात करते हो तो आपको टाइम लगेगा। पहले पहले आप जानते हुए गलत बोल दोगे, बाद में रियलाइज़ करोगे भाई ये तो लड़का है मैंने शी बोल दिया, या ये तो लड़की है मैंने ही बोल दिया, ये बोल दोगे ही इज के जगह पर ही आर लगा दोगे, ऐसे कुछ हो सकता है, मिस्टेक ऐसा होता है। बट उससे अब घबराना नहीं है आपको, जो मिस्टेक आप कर रहे हो उसको दिमाग में डालना कि ये मिस्टेक दोबारा रिपीट ना करूं, हो भी सकता है दोबारा रिपीट हो, लेकिन उसको दिमाग डालना कि ये रिपीट मिस्टेक कर रहा हूं, उसको मुझे ठीक करना है। जब अपने मिस्टेक पर ध्यान देंगे, देखिए लाइफ में मैं हमेशा बोलता हूं सेल्फ रियलाइजेशन, जो बंदे सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करते हैं, खुद की गलती नहीं मानते हैं, वो बंदे आज नहीं तो कल गड्ढे में जाएंगे। वो कितने भी झुंड में रहें या फिर ग्रुप में रहें या फिर कितने भी वो मोटिवेटेड रहें, उससे काम नहीं बनेगा, बिकॉज नेचर, मेरे हिसाब से नेचर का रूल ही ऐसा है। आप अगर गलत रास्ते पे चलोगे, 10 बंदे जा रहे हैं, आप बोलोगे हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन आज तो कल तुम्हारा पैसा भी खत्म होगा, सब कुछ खत्म होगा। अगर आपने गलती से मिस्टेक से सीखोगे, पर तो कितने बड़े बिजनेसमैन देखो डूब गए, खत्म हो गए, इंडिया में एग्जांपल है, बाहर भी एग्जांपल है, पहले कुछ थे 10 साल में ही गायब हो गए रिचेस्ट लिस्ट से पूरे वर्ल्ड के। तो आपको सेल्फ रिलेशन करना सीख, भाई आप क्या गलतियां कर रहे हैं, ठीक है। और जो बटरिंग पीपल है उनसे दूर रहना पड़ेगा, अगर आप अमीर बन जाए ना तो आप रियलिस्टिक पीपल के साथ उठक बैठक करिए जो आपको सही सलाह दे, ना कि आपके पीछे हाँ बढ़िया कर रहे हैं जी आप बढ़िया कर रहे हैं, फिर आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। स्पीकिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ये आसान था, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज इसमें अच्छा एक इंग्लिश स्पीकर बोलने के लिए, इंग्लिश स्पीकर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। नाउ क्वेश्चन इज दैट हाउ टू प्रैक्टिस, हाउ टू गेट स्टार्टेड। मैं समझाता हूँ कैसे स्टार्ट करना है। स्टेप वन, जो भी आप हिंदी में बातें करते हो उसको साथ साथ माइंड में ट्रांसलेट करना शुरू कर दो इंग्लिश में। 1 महीना ये करना है आपको, 1 मंथ अपने दोस्त से जो भी बात करते हैं आप उसको ट्रांसलेट, इंस्टेंटली ट्रांसलेट करो, किसी को बोलना है इंस्टेंट ट्रांसलेट करो आप इसका इंग्लिश क्या होगा, जितने भी हो सकता है आप सेंटेंस से ट्रांसलेट करना शुरू करो। 1 महीना, 1 महीने में कम से कम आप 2000 एटलीस्ट आप सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर लेंगे, और आपके दिनचर्या में मुश्किल से आप फ्यू थाउजेंड सेंटेंसेस ही रिपीट करते हैं, ठीक है। 1 महीना आपने माइंड में प्रैक्टिस करा। स्टेप टू, जब भी आप कॉलेज में बातें करेंगे आप क्या करेंगे, आपके कन्वर्सेशन में, आपके डिस्कशन में, आपके बातों में, ऐसे हम जब बात करते हैं हम 10-15% इंग्लिश के वर्ड यूज करते हैं, उसको इंक्रीज करना है, कितना 30% इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलना है, बाकी 70% हिंदी के बोलना है। ये सेकेंड मंथ का है। थर्ड मंथ इसको बढ़ाना है 40%, फिर 50%, ये दिख रहा है आपको मेरे हिसाब से 40%, फिर 50% हो गया आपका। 4 महीना आपने प्रैक्टिस कर लिया। नाउ इसी बीच क्या करना है आपको, आफ्टर 1 मंथ यू नीड टू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली। विद हुम? विद समवन हु इज इन द सेम कंडीशन लाइक यू, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। मेरा इंग्लिश इम्प्रूव्ड बहुत अच्छा हुआ, दैट्स बिकॉज ऑफ फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स। वी यूजली ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, इसलिए नहीं, बहुत सारे बोलते हैं सर हम इंग्लिश में प्रैक्टिस करते हैं, लोग हंसते हैं, हंसने दो। कुछ बोलते हैं अंग्रेज बन गए, बोलने दो, इंग्लिश बोलने से अंग्रेज नहीं बनते हैं। अपने ट्रेडिशन को साफ रखने का चीज़ें अलग होता है और लैंग्वेज सीखना अलग होता है। आप लैंग्वेज सीख रहे हैं प्रोफेशनली, आपको हेल्प मिले इसीलिए, उसमें कोई गलत वाली बात नहीं है। बहुत सारे अंग्रेजी सीखते तो नहीं है, लेकिन क्या करते हैं, माँ बाप को भूल जाते हैं, पापा मम्मी को भूल जाते हैं, आफ्टर मैरिज तो सारे ही भूल जाते हैं लगभग। तो भाई
ये कर रहे हो आप और इंग्लिश एक सीखने से आपको प्रॉब्लम आ रहा है, हिपोक्रेसी की सीमा होती है भाई, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर ट्रेडिशन फॉलो करना है, सबसे पहले आप अपने पापा मम्मी को आफ्टर मैरिज भगवान मानिए, बिकॉज आप जो भी हैं उनके वजह से हैं, अगर वो नहीं होते आप कहाँ। तो ये चीज़ें लोग याद नहीं रखते, इसलिए बोला ना, आप अगर अपने आप को इम्प्रूव करोगे, सही साथी पालोगे साथ में, तो आप ट्रांसफॉर्म करोगे अपने आप को। कैसे, फिर से रिपीट करता हूँ, फिजिकली, मेंटली, प्रोफेशनली एंड स्पिरिचुअली। आप सिर्फ बीटेक पढ़ाई करने नहीं गए हो, आप अपने आप को बेहतर पर्सन बनाने गए हो। अगर इस चीज़ पर काम करेंगे आप 4 साल, तो आपका फ्यूचर ब्राइट ही ब्राइट है, डजेंट मैटर कौन से ब्रांच से। हो सकता है इनिशियली आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़े, बट एट द एंड आफ्टर 10 ईयर्स यू रियलाइज व्हाट यू हैव डन अर्लियर, इट वॉज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, 1 साल बाद आप रियलाइज करेंगे, इफ यू विल डू सो फॉर 1 ईयर, यू विल रियलाइज व्हाट यू रियलाइज, नाउ यू हैव दैट कॉन्फिडेंट टू स्पीक इन इंग्लिश। बट लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, आपने दोस्त से डेली बात कर रहे हैं, आपको हेजिटेशन नहीं आएगा, बट वंस यू विल टॉक टू समवन जो आप जिसको जानते नहीं है, दैट पर्सन इज कम्प्लीटली स्ट्रेंजर फॉर यू, और वो अपोजिट जेंडर का हो तो और आपको हेजिटेशन होता है, कुछ गलत निकल गया तो। तो इस केस में, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, आप किसी मॉल में जाते हैं, कुछ मांगते हैं, आप इंग्लिश में बोला करिए, उससे क्या होगा, आपका हेजिटेशन दूर होगा। ठीक है, आप किसी ऐसे जगह पर जहाँ जा रहे हैं जहाँ पर इंग्लिश का थोड़ा प्रचलन है, वहाँ पर इंग्लिश में बात करिए, उससे क्या होगा, आप जो हेजिटेशन आपका है, डर जो अंदर का, वो निकलेगा धीरे धीरे करके। ये कोई एक साइड में काम नहीं है, इट टेक्स टाइम, बट आफ्टर, हाँ, उससे, इससे और एक बेहतर तरीका क्या है, आप कॉलेजेस में जाइए और प्रेजेंटेशन दीजिए, पीपीटी वाज वन ऑफ माय बेस्ट, बोल सकते हो हॉबी था, या फिर बोल सकते हो मेरा एक पैशन था। मैंने बहुत बार पीपीटी देखे, मतलब किसी टॉपिक पर प्रेजेंटेशन देके अवार्ड लिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन लिया मैंने बहुत बार। तो उससे क्या होता है, आपका जो स्टेज फियर होता है वो ख़त्म होता है, बिकॉज देयर विल सो मेनी पीपल, और मैक्सिमम जो होंगे आपके स्ट्रेंजर होंगे, उनको आपको एक टॉपिक समझाना है, उससे क्या होगा, उससे आपका डर निकलेगा स्लोली स्लोली। फिर भी आप कुछ भी कर लीजिए, आप कितने भी एक्सपीरियंस हो जाइए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए डर हमेशा होगा जब आप किसी से बात करेंगे जो स्ट्रेंजर होगा, सबको होता है, बट फ्यू सेकंड में आपका जो हैबिट आपने बनाया है, पावर ऑफ हैबिट बोलते हैं ना, उससे क्या होगा, वो डर लुप्त हो जाएगा, जो आपका ब्रेन में केमिकल रिलीज होता है, वो जो अच्छा है, अच्छा केमिकल है, उसको वो कवर कर लेगा, तो आपको डर नहीं आएगा, फिर आपके धड़कने तेज़ नहीं होंगे। आई होप सबको समझ में आया कि भाई इंजीनियरिंग में इंग्लिश के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे आप। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।